हेलो स्टूडेंट, आरसीआई एजुकेशन ऑफ बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मूल के रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। आपने इससे पहले मूछला मूल, अपस्तनी मूल व जकड़ा मूल या रिश्तेदार मूलों के बारे में अध्ययन किया, तो उन्हीं मूलों के रूपांतरण पढ़ेंगे कि वो मूल होती है जो रूपांतरित होकर एक विशिष्ट कार्य करती हैं, कोई खाद्य संग्रह करती हैं, कोई श्वसन में भाग लेती हैं, तो उनकी बात यहां पर करने जा रहे हैं। तो नंबर एक हम बात करेंगे खाद्य संग्रह मूल। तो इसमें नंबर एक इस प्रकार की मूल होती हैं जो खाद्य संग्रह करने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। खाद्य पदार्थ का क्या करती है, संग्रह करती है, यानी खाद्य पदार्थ का संचय करके क्या हो जाती है, फूल जाती है। तो हम मूछला मूल की बात करेंगे। सबसे पहले मूछला मूल के रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ टैपरूट, मूछला मूल के रूपांतरण। सबसे पहले हम बात करेंगे शंकु रूप, कॉनिकल। शंकु रूप क्या है, इस प्रकार की मूल होती है जो ऊपर से चौड़ी व नीचे से क्या होती है, पतली होती है। जो आप देख पा रहे हैं ये शंकु रूप का उदाहरण है, एग्जाम्पल है गाजर। ऊपर से कैसी होती है, चौड़ी होती है, और नीचे से कैसी है, पतली है। ये किसका उदाहरण है, शंकु रूप। नंबर दो है तर्क रूप, फ्यूजीफॉर्म। इस प्रकार की मूल होती है जो बीच में से फूली हुई तथा दोनों सिरों से कैसी होती है, पतली होती है। इसे बोलते हैं तर्क रूप, फ्यूजीफॉर्म। इसका उदाहरण क्या है, मूली है, ध्यान रहे। तर्क रूप के अंदर आपको शंकु रूप बताया गया, ये शंकु के समान है, ऊपर से चौड़ी है, नीचे से पतली है, जबकि तर्क रूप के अंदर बीच में से खुली होती है और दोनों सिरों से कैसी है, पतली। इसका एग्जाम्पल आपके सामने क्या है, मूली है। नंबर तीन बात करें तो कुंभी रूप, कुंभी रूप में आता है सलजम, चुकंदर। कुंभी रूप, नाभिफॉर्म। इस प्रकार की मूल होती है जो ऊपर से घड़े के समान खुली होती है और नीचे से एकदम क्या होती है, पतली होती है। ध्यान रहे इसका उदाहरण क्या है, सलजम है, चुकंदर है, एक प्रकार से कैसा है, कुंभी रूप है, कि ऊपरी भाग कैसा होता है, घड़े के समान खुला होता है और नीचे से एकदम क्या होती है, पतली होती है। यह मूछला मूल का क्या है, रूपांतरण है। इसी प्रकार से कंदेल रूप, ट्यूबस रूट, इस प्रकार की मूल होती है जो फूली हुई होती है लेकिन अनियमित आकार की होती है, ध्यान रखें। और इसका उदाहरण क्या है, गुलाब्बास। गुलाब्बास एक कंदिल रूप है, याद रखें कि इस प्रकार की मूल होती है जो फूली होती है लेकिन अनियमित आकार की होती है, इसे कंदिल रूप बोलते हैं। तो ये सभी अभी आपको बताया गया
मूछला मूल के रूपांतरण है, जिसमें संकरूप, तर्करूप, कुंभी रूप और इसी प्रकार से ये आपके कंदिल रूप हैं, जिसके एग्जाम्पल आपको बताए गए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।